So hello and assalamu alaikum. My name is Afan Malik and I've been working as a freelancer for the last year as well, and doing freelancing on Fiverr as well for the last year. And I'm working a full-time job along with my uni. I'm a sophomore student. I just finished my second year at FAST in the CS discipline. So aaj जो बेसिकली हम बात करेंगे वो ये कि फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ा स्कोप है एंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसका काफ़ी स्कोप बढ़ता जा रहा है. लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट इज़ वेल. एंड बात ये है कि इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यंग पीपल, जो हमारी यूथ है, टू मेक मनी एंड बी इंडिपेंडेंट. दैट फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इज़ एवरीथिंग. दैट्स मोर प्रेशियस देन एनीथिंग यू कैन इमेजिन. एंड ये बहुत बड़ी फ़ायदा होता है कि इफ़ यू स्टार्ट एन अर्ली एज, यू वुड हैव दैट वैल्यू ऑफ मनी एंड एवरीथिंग एंड बेसिकली एन आइडिया. आप एक डिग्री लेके सिर्फ आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना इफ़ यू हैव लाइक अ कपल ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस बिफोर यू फिनिश योर डिग्री. तो एक वो जो कंपेटिटिवनेस है हमारी मार्केट प्लेस में, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा. सो अफान से पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट अर्निंग ऑन फ्रीलांसिंग फॉर बिगिनर्स. अच्छा, क्या सजेशन? सो बेसिकली इससे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट यू आर गुड एट. ठीक है, आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है. अगर स्किल नहीं है तो डेवलप दो स्किल्स. आपको बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने जाए. हर बंदे के दिमाग में सबसे पहले ये आता है, बट दैट इज़ बिकमिंग अ वेरी सैचुरेटेड मार्केट दीज डेज. बट मैं ये नहीं कहूँगा कि डिस्करेज करूँगा कि उसको फॉलो करने से. इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट दिस, अगर आपने अभी तक सीखी भी नहीं है, बहुत आराम से सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं. अडोबी के फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, प्रीमियर प्रो है, एनीथिंग दैट्स राइट अप योर एली. इसके अलावा देयर इज अ साइट कॉल्ड कैनवा है, उस पर भी आप इस तरह काफ़ी कुछ कर सकते हो. एंड लाइक स्टार्ट लर्निंग, देयर इज अ लॉट. यूट्यूब इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड. उस पर आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाता है, आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं. आपके जो कोर्स इंस्ट्रक्टर्स इन्हीं के या वैसे थ्रू आउट टीचर, उनसे बहुत बेहतर टीचर्स मिल जाते हैं, नो ऑफेंस टू देम. तो यूट्यूब इज़ लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एंड यू कैन डेफिनेटली यूज़ दैट, लर्न फ्रॉम देयर. और आप वेरियस साइट्स हैं, फाइवर एक साइट है. अगर आप थोड़ा सा और प्रोफेशनल काम करना चाह रहे हो, अपवर्क इज़ अ वेरी गुड साइट. या अगर आप बिल्कुल इस तरह अगर आपको इनका भी नहीं है, तो यूज़ योर सोशल सर्कल. उनमें आपके इतने इर्द-गिर्द लोग होंगे जो असाइनमेंट्स टास्क इस तरह के प्रोजेक्ट, उनसे आप स्टार्ट करो. कंटेंट राइटिंग से उस तरह स्टार्ट करो. जान जान से आप उनको कहो कि यार आई एम स्टार्टिंग दिस, तो दे वुड डेफिनेटली हेल्प यू. आपसे एक क्वेश्चन ये है कि हाउ टू सेट एन अकाउंट टू अपलोड योर वर्क, और आप अपना बिगनर्स के लिए क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे अकाउंट बनाएं? सो अब इसमें काफ़ी मतलब चीज़ें आ जाती हैं. बेसिकली एक फाइवर एक बहुत बड़ी है साइट, वहाँ पर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो इफ़ यू आर कम्प्लीट बिगिनर. अगर इससे भी पहले है, तो आप अपने सोशल सर्कल में जो आपके अगले लोग असाइनमेंट्स, आप उनकी उससे स्टार्ट करो. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. फिर वहाँ से आप बढ़ते जाओ कि अच्छा आपकी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जिधर कोई इस तरह काम है वो करना चाह रहा है, स्टार्ट ऑफ विद दैट. आप थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है, लेकिन लिंक्डइन एक बहुत अच्छी चीज़ है. आप वहाँ पर अपना प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पर आप बताओ कि आप यूर इंटरेस्टेड इन दिस, आपका ये स्किल है और सारी चीज़ें, तो आप वहाँ पर काम शुरू कर सकते हो. आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएंगी. यहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो, स्टार्ट ऑफ विद दैट. या अगर आपका प्योरली फ्रीलांसिंग है, तो फाइवर पे आप अकाउंट बनाएं. वहाँ पे आप सबसे पहले देखें कि कौन सी ऐसी सर्विस है जो आप स्पेसिफिकली आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो मतलब नीश है एक मार्केट में, वो उस पे आप काम करें. और उसमें ये है कि फिर आप उस सर्विस के बाकी जो थोड़े अकॉम्प्लिश्ड गिग्स होंगी वहाँ पे, लेवल वन लेवल टू सेलर्स की, आप उनको देखें उन्होंने किस तरह गिग्स बनाई हुई हैं, और उनकी इमेज में आप खुद उस तरह गिग बनाएं डेफिनेटली. और स्टार्ट ऑफ फ्रॉम देयर, और आपको आहिस्ता आहिस्ता आप कुछ गलतियाँ करोगे, कुछ सीखोगे, तो इस तरह ही आप यू हैव अ जर्नी अहेड ऑफ यू. अगर थोड़ा सा आप प्रोफेशनल स्टार्टअप काम करना चाह रहे हो, तो वो अपवर्क है. उस पर यह है कि आपको थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म पे आ जाता है. बट उसके लिए आपको फिर उस तरह थोड़ा सा आपका एप्टीट्यूड या कैलिबर जो है ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए. राइट, तो अब आप इसको कंक्लूड करो कि आपने फ्रीलांसिंग ओवरऑल कैसे हेल्प आउट करती है स्टूडेंट्स को. आई गेस जो मैंने पहले बात शुरू में की थी कि दैट फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस. आप फॉर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स घर वालों से कब तक पैसे मांगते रहोगे या मंथली पैसे आते रहेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली गुजारा भी नहीं होता हमारा.
उसका ये है कि आपको वो फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उससे वो बहुत अच्छा एक आपको फील होता है कि यार यू आर मेकिंग योर ओन मनी। एंड इसका ये कि इट टीचेस यू लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको यूनिवर्सिटी या आपकी डिग्री या कोई भी आप अगर कॉलेज में हो तो वो कभी नहीं सिखा सकता। ठीक है, दैट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हाउ टू डील विद क्लाइंट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये चीज़ें सिखाता है। एंड हाउ टू बी प्रोफेशनल, ठीक है, दैट्स द नेम ऑफ द गेम, और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड डेफिनेटली ये आपको, आप जब ग्रेजुएट हो गए तो इतनी कम्पिटेटिव मार्केट है पहले ही, और उसमें आपका 2-3 साल का पहले से एक्सपीरियंस होगा इन वट यू आर डूइंग, या आप अगर अपनी डिग्री का ही कर रहे हो, किसी और चीज़ में कर रहे हो दैट यू आर पैशनेट अबाउट एंड यू हैव एक्सपीरियंस इन दैट, तो दैट विल जस्ट होन योर स्किल्स और मतलब न्यूमरस फाइंडिंग इस चीज़ के। मुझे तो ये लगता है कि बच्चे बहुत सारी गलत बातों से भी बच जाते हैं कि उनका टाइम एक पॉजिटिव चीज में कंज्यूम हो रहा है, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ चैटिंग ऑन द व्हाट्सएप और इंस्टेड ऑफ डूइंग अदर थिंग्स विच आर अननेसेसरी। इट इज बेटर टू अर्न मनी टू हेल्प योर फैमिली, टू सपोर्ट योर सेल्फ एज वेल, एंड इट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट। तो अभी आज की वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई, अफान को इसलिए बुलाया गया कि अफान खुद माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एक अच्छी डिग्री भी कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे मतलब फ्रीलांसिंग के मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो लिंक में मैं अफान का डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी नंबर वगैरह, जो भी वो कॉन्टेक्ट देना चाहें तो वी विल हेल्प यू अबाउट दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।